सभी को मेरा अभिवादन। मैं दोस्तमी कक्षा द्वितीय कक्षा थी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। आज भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस पावन अवसर पर मैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों हमारे बहादुर सैनिकों को शिक्षित नमन करना चाहूँगा, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम एक स्वतंत्र भारत का हिस्सा है। आज इस पावन अवसर पर भाषण प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें मेरा विषय है भारतीय नारी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, महान कवि शंकर प्रसाद की। इन लाइनों से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। प्राचीन काल में देवों में नारी समाज को पूजनीय माना जाता था। धन बल बुद्धि विद्या तीनों की देवी नारी ही है। देवों में पुराणों में कहा भी गया है, जहाँ नारी समाज को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। सर यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ तक कि अपने भगवानों के नामों में भी नारी का नाम प्रथम आता है, जैसे राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सीताराम। और अपने भगवानों को, अपने शिव भगवान को तो अर्धनारी रूप भी कहते हैं। किंतु भारतीय नारी की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रही, समय के साथ साथ उतार और चढ़ाव आते रहे हैं। देश पे हुए अनेक हमलों की वजह से भारतीय नारी की स्थिति गिरती चली गई है, और उसके बाद कई कुरीतियां फैल गई, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कई बीमारियों ने जन्म लिया। तभी उस समय के महान कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, हाय अबला जीवन, यही है तेरी कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। किंतु आज परिवर्तन का युग है। नारी, भारतीय नारी की स्थिति में भी परिवर्तन आया है, किंतु अभी भी भारतीय नारी को पुरुषों के समान स्थान नहीं मिला है। अभी भी कुछ कुरीतियां फैल गई हैं, जैसे दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा। और आज इस समय का सबसे भयंकर अपराध कन्या भ्रूण हत्या। अगर नारियों को भी पुरुषों की तरह आगे बढ़ने के उचित अवसर मिले तो वो भी अपने अपने हिस्से का मेडल ले आएंगी। अभी पिछले हफ्ते हुए टोक्यो ओलंपिक्स का इस बात का ताजा उदाहरण है। रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, बछेंद्री पाल, किरण बेदी, लवलीना, एमसी मैरीकॉम, कल्पना चावला, ये तो बस कुछ ही ऐसे नाम हैं जिनके परिवार वालों ने समाज की परवाह ना करते हुए उनको आगे बढ़ने के उचित अवसर दिए और बेटियों ने भी सफलता पाई। नारी समाज को आगे बढ़ाने का एकमात्र उपाय है नारी शिक्षा। एक देश का भविष्य शिक्षित नारियों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि माता के रूप में एक नारी ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। एक नेपोलियन ने भी एक बार कहा था कि तुम मुझे अच्छी माताएं दे दो, मैं तुम्हें अच्छा राष्ट्र दे दूंगा। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे भीलवाड़ा शहर में आज से 77 वर्ष पूर्व 14 नवंबर 1944 को महिला आश्रम संस्था की नींव रखी गई। इस संस्था के अंतर्गत 10 से भी अधिक संस्थाएं अपना सफल योगदान दे रही हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं भी इस गौरवशाली संस्था का एक हिस्सा हूं। अंत में मैं अपने विचारों को इन लाइनों से अपने विचारों को विराम देना चाहूंगा। शक्ति का अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी बिन